मोडेम मोडेम इज एब्रिविएशन फॉर मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, ठीक है। MOD मॉड्यूलर से होता है और DEM डी मॉड्यूलर से होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलर डी मॉड्यूलेटर इसको बोला जाता है। मॉडेम्स आर यूज फॉर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। मॉडेम किस लिए यूज़ किया जाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए थ्रू टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन से जो कनेक्शन गया रहता है, ठीक है, जैसे लाइन केबल है या जिससे आज के डेट में कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब मेनली टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ही किया जाता है। द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क इन डिजिटल मोड वाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कैरिंग मैसेजेस अक्रॉस फोन लाइन्स, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है, वो हमेशा डिजिटल मोड पे काम करता है, ठीक है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है मैसेज को पास करने के लिए, मतलब मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो वो जनरली फोन लाइन से की जाती है और फोन लाइन हमेशा एनालॉग सिग्नल को यूज करता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? डिजिटल मोड से एनालॉग मोड पे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जहाँ पे भी ट्रांसमिटर होगा, जैसे मान के चलो मैंने एक कंप्यूटर से मैसेज को सेंड किया, अब जो कंप्यूटर हमारा वो तो डिजिटल डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो टेलीफोन लाइन है वो तो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है जो डिजिटल टू एनालॉग हम लोग को चेंज करके मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग के पास एक मॉड्यूलेटर होता है जिसके थ्रू हम लोग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ ट्रांसमिट जो कंप्यूटर है, मतलब जो ट्रांसमीटर है, उसी में लगा होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर का काम यही होता है कि डिजिटल डेटा को एक्सेप्ट करना, उसको चेंज करेगा एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। तो जो भी ट्रांसमिटिंग एंड है, ठीक है, वहाँ पे मॉड्यूलेशन काम करेगा। डी मॉड्यूलेटर का काम क्या है? डी मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द सेम फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एट द रिसीविंग एंड, ठीक है। जहाँ पे वो डेटा रिसीव हो रहा है वहाँ पे लगा होगा डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। डी मॉड्यूलेटर लगा होगा और वो क्या करेगा? रिसीविंग एंड पे एनालॉग सिग्नल से कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो डी मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर को हम लोग ओवरऑल यहाँ पे क्या बोलते हैं? मोडेम बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वन कंप्यूटर नेटवर्क इन टू डिजिटल सिग्नल्स ऑफ अनदर कंप्यूटर नेटवर्क सो दे कैन बी प्रोसेस बाय रिसीविंग कंप्यूटर इज रिफर्ड एज डिजिटाइजिंग, ठीक है। जो यहाँ पे कन्वर्टिंग प्रोसेस हो रहा है एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है, तो इसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजिटाइजिंग, ठीक है। व्हेन एन एनालॉग फैसिलिटी इज यूज फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कॉल्ड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। तो दोनों डिवाइसेस में यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट मतलब हमारा कंप्यूटर हो गया, अब उसी कंप्यूटर में लगा होता है मोडेम, ठीक है। DT कैन बी टर्मिनल और ए कंप्यूटर, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर होंगे या फिर जो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, ठीक है, सभी के सभी में मोडेम लगा होता है, तभी वो क्या करेगा? डिजिटल से एनालॉग में चेंज करेगा, एनालॉग से डिजिटल में चेंज कर पाएगा। बिना मॉडेम के कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल को जनरेट करेगा और वो किसको देगा? मॉडेम को देगा। मॉडेम से कनेक्ट होगा टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन जो होता है वो मॉडेम से कनेक्ट होता है, ठीक है। मॉडेम कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल और उस टेलीफोन लाइन के थ्रू भेज देगा।
अभी टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल, प्योर एनालॉग सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। जो रिसीविंग एंड होगा यहाँ पे, ठीक है, रिसीविंग एंड मतलब ये कंप्यूटर बी जो है, अब वो तो डिजिटल मोड पे काम करता है, तो वहाँ पे भी एक मॉडेम लगा होगा जो एनालॉग सिग्नल को लेगा और किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो डिजिटल में उसको कन्वर्ट कर दिया और जो भी ओरिजिनल मैसेज था वो यहाँ पे रीड कर लेगा, ठीक है। अगर बी को सेंड करना है ए में, ठीक है, बी को ए में सेंड करना है, तो वो भी सेम प्रोसेस करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ ये वाला मॉडेम क्या करेगा, उसको एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल में दे देगा। तो दोनों एंड पे, ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड, दोनों एंड पे सेम प्रोसेस काम करता है। दोनों एंड पे सेम प्रोसेस काम करता है, ठीक है। इसी को हम लोग, यही काम होता है जनरली एक मॉडेम का। द मॉडेम इज ट्रांसमिटिंग एंड कन्वर्ट्स अ डिजिटल सिग्नल जनरेटेड बाय डीटी इनटू एन एनालॉग सिग्नल बाय मॉड्यूलेटिंग ए कैरियर। दिस मॉडेम एट रिसीविंग एंड डी मॉड्यूलेट्स द कैरियर एंड हैंड ओवर द डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल टू द डीटी, ठीक है। दोनों साइड यही काम करता है, यहाँ पे देख लेते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम से अगर हम लोग समझे, तो इधर डीटी है, डीटी मतलब क्या है, हमारा कंप्यूटर, ठीक है, टू डीटी, और यहाँ पे इसमें लगा होगा एक डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, और यहाँ पे ये बना है मॉडेम, ठीक है। ये डिजिटल इंटरफेस है जिसमें कंप्यूटर कनेक्ट होगा, ठीक है। ट्रांसमिटर है मतलब मॉड्यूलेट करेगा उसको, मॉड्यूलेट करना मतलब डिजिटल मोड से कन्वर्ट कर देगा एनालॉग मोड में, ठीक है। तो एक बार सिग्नल जब जनरेट होगा डिजिटल इंटरफेस से, वो चले जाएगा मॉड्यूलेटर में, ठीक है, मॉड्यूलेटर से चले जाएगा लाइन इंटरफेस में, लाइन इंटरफेस के बाद चले जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम के बाद, जो भी वायर वगैरह होगा टेलीफोन लाइन का जो वायर होगा वहाँ पे वो चले जाएगा। तो यहाँ पे जो पाथ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, डिजिटल में गया, फिर ट्रांसमीटर में गया, फिर वो किस में जाएगा, लाइन में चले जाएगा, फिर उसके बाद वो ट्रांसमिशन मीडियम से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। वैसे ही सेम अगर रिसीव करना है इसको, ठीक है, जो भी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर जो भी हम लोग के पास वायर है, उससे क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, ठीक है, लाइन इंटरफेस में जाएगा और रिसीवर डीमोडुलेटर के पास चले जाएगा, ठीक है। डीमोडुलेटर के पास गया, वो डीमोडुलेटर क्या करेगा, उसको एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा और वापस इस डीटी के पास भेज देगा। तो इस प्रकार से जो ये ब्लॉक डायग्राम है मॉडेम का, वो वर्क करता है। मॉडेम का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, मॉडेम लगा होता है कंप्यूटर में, ठीक है, किस में लगा होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, ठीक है। कंप्यूटर से हम लोग कोई भी एक ईमेल किए, मान के चलो ईमेल डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, ईमेल को सेंड करना है हमें अमेरिका, ठीक है, तो अब वो डिजिटल फॉर्म में नहीं जा सकता, तो मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में, ठीक है। तो वो कौन करेगा, मॉड्यूलेटर करेगा। मॉड्यूलेटर का काम यही होता है कि डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का। एनालॉग सिग्नल मिल गया, अब वो वायर के थ्रू हम लोग भेज दिए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हम लोग भेज दिए। अब अमेरिका में जिस कंप्यूटर में वो रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो तो एनालॉग सिग्नल रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पे डीमॉड्यूलेटर काम करेगा। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है कि एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो मॉडेम का ओवरऑल यही फंडा होता है। ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन टू मॉडेम्स कैन बी डेडिकेटेड सर्किट और स्विच टेलीफोन सर्किट। इफ ए स्विच टेलीफोन सर्किट इज यूज, देन द मॉडेम आर कनेक्टेड टू द लोकल टेलीफोन एक्सचेंजेस। वेन एवर डेटा ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड, कनेक्शन बिटवीन द मॉडेम्स इज एस्टैब्लिश थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें, अगर दो मॉडेम कनेक्ट है, ठीक है,
जनरली एक डेडिकेटेड सर्किट से कनेक्ट होता है, ठीक है। डेडिकेटेड सर्किट मतलब एक डिवाइस होगी जिसके थ्रू हम लोग को कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरली जो डिवाइस होती है वो टेलीफोन एक्सचेंज में होती है, ठीक है। तो हम लोग को अगर हम लोग को कुछ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या फिर उस टाइप का कोई भी नेटवर्क हम लोग का कनेक्ट होना है, तो हम लोग को सबसे पहले किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी हम लोग को उस टाइप की सर्विस मिल पाएगी, ठीक है। टेलीफोन एक्सचेंज जो होते हैं या फिर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, ठीक है, जो लोग आज के डेट में भी अगर एनालॉग सिग्नल भी दे रहे हैं, फाइबर की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालॉग सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखेगा, ठीक है। कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखना मतलब वहाँ एक लॉग जनरेट होता है, कब कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है, सारा चीज़ वहाँ दिखता है, ठीक है। उनके पास एक सॉफ्टवेयर टाइप का रहता है, ठीक है, वो जनरली बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वहीं से सारा चीज़ रेगुलेट होता है, ठीक है। तो जनरली ये सारा चीज़ टेलीफोन एक्सचेंज में होता है। जैसे मान के चलो हम लोग के पास अगर लोकल ब्रॉडबैंड अगर कोई ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी ना किसी टेलीफोन एक्सचेंज से जो कनेक्शन है वो लिया होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो जैसे लोकल ब्रॉडबैंड है, ठीक है, अगर जैसे हाथवे है, ठीक है, हाथवे भी एयरटेल से या जियो से लिया होगा या BSNL से लिया होगा, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो टेलीफोन एक्सचेंज से ही होता है, क्योंकि वहाँ पे भी उनको सिग्नल्स को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। वहाँ से हम लोग एनालॉग में लेके यहाँ पूरा का पूरा 100% डिजिटल में उसको कन्वर्ट करके ही आज के डेट में जो हम लोग फाइबर वगैरह देखते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो टेलीफोन एक्सचेंज से ही सारा चीज़ रेगुलेट होता है, डायरेक्ट अगर हम लोग बोले तो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्विच टेलीफोन सर्किट होता है, ठीक है। जितने भी कनेक्शन होते हैं सब एक नंबर डायल करते हैं कभी भी, ठीक है। वो नंबर डायल किया जाता है और उससे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग टेलीफोन लगाते हैं, ठीक है, एक नंबर लगाते हैं और उससे कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, और कॉल हम लोग का चालू हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग को अगर डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए भी एक नंबर होता है, उस नंबर को वो जो डिवाइस रहता है ऑटोमेटिकली डायल करता है, ठीक है। जैसे हम लोग वायर वगैरह कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वो कॉन्फिगर हो जाता है, वो नंबर डायल कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो वहाँ पे स्विच टेलीफोन सर्किट काम करता है जो कनेक्ट करता है हमारे सिस्टम को उस लोकल टेलीफोन एक्सचेंज से, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपना डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं या फिर वॉइस ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। ओके अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोडेम। मोडेम कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, ठीक है। मोडेम कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, दे कैन बी कैटेगराइज इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है डायरेक्शनल कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स मॉडेम या फिर फुल ड्यूप्लेक्स मॉडेम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स मतलब होता है कि वन वे, मतलब या तो डेटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब होता है एट ए टाइम दोनों करेगा, ठीक है। सेकेंड होता है कनेक्शन टू द लाइन, ठीक है, इसमें आता है 2 वायर मॉडेम और 4 वायर मॉडेम, ठीक है। थर्ड होता है ट्रांसमिशन मोड, एसिंक्रोनस मोड या फिर सिंक्रोनस मोड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोडेम, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में देखते हैं, ए हाफ डुप्लेक्स मोडेम परमिट्स ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। ट्रांसमिशन कितने डायरेक्शन में होगा? एक ही डायरेक्शन में किया जाएगा। इफ ए कैरियर इज डिटेक्टेड ऑन द लाइन बाय द मोडेम, आई गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द इनकमिंग कैरियर टू द DT थ्रू ए कंट्रोल सिग्नल ऑफ इस डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। अगर कोई भी कैरियर, कैरियर मतलब कोई भी टेलीफोन लाइन वगैरह है, ठीक है, वो मोडेम से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो मोडेम जो होता है वो एक इंडिकेट करता है कि इनकमिंग कैरियर हमारे पास आ गया है। इनकमिंग कैरियर मतलब डेटा हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज द कैमल इज बीइंग रिसीव्ड, ठीक है, द मोडेम डज नॉट गिव परमिशन टू द DT टू ट्रांसमिट डेटा।
ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में हमेशा डेटा रिसीव कर सकते हैं, उसमें ट्रांसमिट करने का परमिशन हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है, वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। मतलब उसके पास एक ही चीज होगी, वो सिग्नल को सिर्फ और सिर्फ एनालॉग से कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में उसको डेटा मिल रहा है तो उसको चेंज करेगा किसमें, डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये होगा हाफ डुप्लेक्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स मॉडेम अलाउज साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि डेटा रिसीव भी होगा और ट्रांसमिट भी किया जाएगा। ठीक है, डेटा रिसीव भी होगा और ट्रांसमिट भी किया जाएगा। देयर फोर देयर आर टू कैरियर्स ऑन द लाइन, वन आउट गोइंग एंड अदर द इनकमिंग। तो यहाँ पे दो कैरियर होंगे, एक आउट गोइंग के लिए होगा और एक इनकमिंग के लिए होगा। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस डायग्राम से बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग के पास मोडेम है जो कि हाफ ड्यूप्लेक्स में काम कर रहा है। रिक्वेस्ट टू सेंड मोडेम के पास गया और वो क्या कर दिया, उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मैसेज मिल रहा है नो। इनकमिंग कैरियर इंडिकेशन, ठीक है, यहाँ से इनकमिंग कैरियर आ रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से उसको डेटा मिल गया, तो यहाँ पे सेंड करने का कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग फुल डुप्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे दो कैरियर है हमारे पास, आउटगोइंग कैरियर भी है और इनकमिंग कैरियर भी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो हम लोग सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट टू सेंड किया, उसको एक्सेप्ट करके यस हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इनकमिंग कैरियर है तो इनकमिंग भी हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, टू वायर मोडेम, द लाइन इंटरफेस ऑफ द मोडेम कैन हैव टू वायर और फोर वायर कनेक्शन टू ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो मॉडेम के पास कितना वायर हो सकता है, दो वायर हो सकता है या फिर चार वायर का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, दो वायर मतलब RJ11 पोर्ट उसमें लगेगा। ठीक है, जो हम लोग जनरली टेलीफोन लाइन में जो देखते हैं उसमें दो ही वायर होता है। ठीक है, तो उसमें जो मॉडेम लगा होता है वो टू वायर मॉडेम होता है। ठीक है, जो कि सिर्फ वॉइस को ही वो हमें देता है और वहाँ पे वो सेंड कर सकता है। ठीक है, वो भी फुल टेक्स डुप्लेक्स पे ही काम करेगा। फोर वायर मॉडेम में क्या होगा, ट्रांसमिशन में जब हम लोग को डेटा भी उसके साथ में मिल सकता है। ठीक है, फोर वायर मोडेम, इन फोर वायर कनेक्शन वन पेयर ऑफ वायर इज यूज फॉर आउटगोइंग कैरियर एंड द अदर पेयर इज यूज फॉर इनकमिंग कैरियर। ठीक है, दो वायर किस लिए यूज होगा, आउटगोइंग के लिए, दो वायर किस लिए यूज होगा, इनकमिंग के लिए। फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आर पॉसिबल ऑन ए फोर वायर कनेक्शन। फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स जो है वो दोनों डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा फोर वायर कनेक्शन में। एज द फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ फॉर ईच डायरेक्शन इज सेपरेट, द सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी कैन बी यूज फॉर बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, दोनों के बीच में फिजिकल पाथ होगा। ठीक है, और दोनों का ही जो डायरेक्शन होगा सेपरेट होगा। ठीक है, जो हम लोग लैन वायर वगैरह देखते हैं, ठीक है, जिसमें चार वायर रहते हैं या फिर एट वायर होते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग जब डायलअप कनेक्शन यूज़ करते हैं या फिर ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो पहले के डेट में वो वहाँ पे चार वायर ही हम लोग को मिलता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को दो वायर मिल जाता है आउटगोइंग के लिए, दो वायर मिल जाता है इनकमिंग के लिए, तो वहाँ पे हाफ डुप्लेक्स परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टू वायर मोडेम में। टू वायर मोडेम यूज द सेम पेयर ऑफ वायर फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग कैरियर्स। ठीक है, दोनों सेम पेयर हम लोग यूज करते हैं आउटगोइंग के लिए और इनकमिंग के लिए। ए लीज टू वायर कनेक्शन इज यूजुअली चीपर देन फोर वायर कनेक्शन एज ओनली वन पेयर ऑफ वायर इज एक्सटेंडेड टू द सब्सक्राइबर्स प्रीमाइसेस। ठीक है, दो वायर कनेक्शन जो होता है जनरली सस्ता होता है। ठीक है, द डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज इज ऑल्सो टू वायर कनेक्शन। जो हम लोग को टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्शन जो मिलता है, ठीक है, वो जनरली टू वायर कनेक्शन होता है। टू वायर मोडेम्स
हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूजेस द सेम फ्रिक्वेंसी फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैरियर्स कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड। अगर हम लोग कुछ ऐसा वहाँ पे ट्रांसमिशन करना है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग जो है बहुत इजी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हाफ डुप्लेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जनरली बहुत सारे कैरियर्स जो होते हैं, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, कुछ इस प्रकार से भी वायर्ड कनेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग हाफ डुप्लेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर फुल ड्यूप्लेक्स ऑफ ऑपरेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव टू ट्रांसमिशन चैनल्स, वन फॉर ट्रांसमिट डायरेक्शन एंड अदर फॉर रिसीव डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग को फुल ड्यूप्लेक्स इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग के पास दो ट्रांसमिशन चैनल होने चाहिए, एक ट्रांसमिशन डायरेक्शन और एक रिसीव डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज अचीव बाय फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज। दीज कैरियर्स आर प्लेस्ड विद इन द बैंडविड्थ ऑफ द स्पीच चैनल, ठीक है। अगर हम लोग को इस प्रकार का हम लोग को फुल डुप्लेक्स इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो FDM यहाँ पे होता है उसी के थ्रू ही जो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है, वो अचीव हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।